हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली रिजवान के लिए है। रिजवान ने हमारे साथ एक सॉन्ग किया था, जब से तुम आई हो। वो सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है और रिजवान की एक बैक स्टोरी है, कैसे रिजवान हमें मिले थे एंड छोटा समय। स्पेशली ये सॉन्ग इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें मोर ऑफ अटैचमेंट है, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट सॉन्ग और कैरेक्टर था। रिजवान हमें मिले थे एक जन्नत जुबेर का, जो मैं इवेंट कर रहा था वहाँ पे मिले थे। औरंगाबाद से आए थे एंड उन्होंने मेरा नंबर लिया एंड रिजवान ने बताया कि सर आपसे मैं औरंगाबाद से मिलने आऊँगा, तो आप मिलेंगे? मैं बोला भी ज़रूर मिलूँगा। सो ही कॉल्ड मी, ही केम टू माई ऑफिस एंड ही सेड, सर आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। मैं बोला क्या किया है क्या नहीं किया है? बोले सर कुछ नहीं किया है। मैं बोला चल छोटा सा एक डायलॉग बुलाइए, बोल के बताइए। बट वो नहीं बोल पाए थे एंड मैं बोला रिजवान रहन दो। पहली चीज़ कि मैं वो पूछा उनको कि रिजवान क्या करना चाहते हैं। वे बोले सर अच्छा ही करना है एंड आप है मुझे लीड करना है। सो जैसे कि रिजवान का, जब हमें मिले थे रिजवान, तब उनका पर्सनालिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बिल्टअप नहीं था। लुक वाइज दिल से बहुत अच्छे इंसान है, लुक वाइज थोड़े से वो जो हमारे स्टार हीरो चॉकलेटी हीरो से उतने वो लुक वाइज उतने नहीं थे। एंड चीज़ ये थी कि रिजवान ने एक ही चीज़ बोली, मैंने बोला था जबकि रिजवान रहने तो मत करो सर, तो उन्होंने बोला सर आप है ना करा लेंगे। एंड दैट वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एंड इट गिव्स मी इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ये बंदा मुझे इतना ट्रस्ट करता है एंड वो मुझ में वो चीज़ देखा है कि मैं अपने आप में कहीं मिस कर रहा हूँ, कि वो मुझ में इतना ट्रस्ट देख रहा है कि मैं उसे वो काम करा सकता हूँ। तो बाई थॉट के देर इज़ सम हिंट ऑफ गॉड। सो मेरे पास एक गाना हमने रिसेंटली बनाया था और रिजवान का आना, तो वो एक कोइंसिडेंस हुआ एंड मैंने तुरंत ही मेरे कोरियोग्राफर, मेरे DOP को बुलाया। बोले सर एक गाना है उस पर हमें आपका राय चाहिए। तो बोले ठीक है। तो हमारे कोरियोग्राफर बैठे थे और हमारे DOP बैठे थे और रिजवान उससे पहले आ चुके थे, और पीछे कोने पे एकदम मेरा ऑफिस जो अंधेरी में, वहाँ पे वो एक ऑफिस में बैठे हुए थे कोने में। नाउ द थिंग इज स्टार्टेड, लाइक गाना सुना, कोरियोग्राफर बोले अच्छा गाना है सुनील भाई, कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा, हीरो कौन है? तो मैंने बोला सर ये जो आपके पीछे बैठे हैं वो, अभी मेरे कोरियोग्राफर ने ऐसे थोड़ा सा स्पीड में देखा, ऐसा स्पीड में देखा एंड जितना स्पीड में देखा उससे 4x स्पीड स्लो में मेरी तरफ आके देखा। वो शॉकिंग हो, बोले ये हीरो है? तो वो लोग रिजवान के लुक पे गए थे। मैंने बोला हाँ सर रिजवान हीरो है। तो हमारे कोरियोग्राफर बोले ठीक है, आपने सर रिजवान को लेने का सोचा है लीड में, तो सर आपने कुछ सोच के डिसीजन लिया होगा। सो ही सेड, मैंने बोला सर ये आपको गाना सुना दिया, एज अ कोरियोग्राफर व्हाट यू वांट टू एडवाइस और समथिंग, एनीथिंग इज ओपन। सो सर ने बताया कि सर हम इसको थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट बनाते हैं, गली में थोड़ा लड़कियों का मस्ती करना, हीरोगिरी करना एंड समथिंग, उसकी बर्ड वर्ड बनी बनी हुई है एंड उसके टपोरी काइंड ऑफ थोड़ा सा एटीट्यूड हम दिखाते हैं। एंड वही मोहल्ले में एक लड़की आती है जो पहले से जो रहती हुई लड़की की एक दोस्त है, कहीं ना कहीं ये लड़की जो है जो हीरोइन है वो उसको स्लैप मारती है बिकॉज ये ही इज़ मिस्चीवियस एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड क्लीन शेव करके अच्छा इंसान बन के ही ट्राई टू इम्प्रेस हर। आई सेड सर वेरी गुड आइडिया बट दिस इज़ अ कॉमन आइडिया एक्चुअली। बोले सर आप क्या सोचते हैं? मैं बोला सर नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताऊंगा। सो मीन वाइल आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम कॉन्सेप्ट एंड आई कॉल माई म्यूजिक डायरेक्टर मनीष भानुशाली बरोड़ा। सो मैंने बोला मनीष भाई ये मेरे कोरियोग्राफर का कॉन्सेप्ट है और ये मेरा कॉन्सेप्ट है। बोले सर
आपका कॉन्सेप्ट रख गया। नाउ व्हाट वाज माय कॉन्सेप्ट? ऐसे कि रिजवान ने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी कि सर आप है ना करा लेंगे। रिजवान है वो हीरोइज्म नहीं लग रहा था, ना बॉडी थी, ना बिल्टअप था, ना चॉकलेटी फेस था, ना स्टाइल थी, ना लुक था, ना बॉडी लैंग्वेज थी। सो कंसिडरिंग ओवरऑल द एलिमेंट्स, आई डिजाइंड अ कैरेक्टर वेयर आई वॉन्टेड टू मेक हिम अ लीड, बट आई डिडंट मेक हिम अ लीड हीरो बट अ कैरेक्टर। नाउ चीज़ें ये हो गई, मैंने उसको ब्लाइंड बनाया। सबसे डिफिकल्ट काम ब्लाइंड बनाना, ब्लाइंड एक्टिंग करना है। मेरे कोरियोग्राफर बोले ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में मैंने ये डिसाइड किया कि सर हम ब्लाइंड के साथ जा रहे हैं, इसको ब्लाइंड बनाते हैं। बोला सर एक्सीलेंट। नाउ द थिंग इज, तो मेरे डीओपी बोले कि सर इसको हम यू नो ब्लैंक ब्लैक चश्मा जो होता है ना ब्लाइंड का, वो हम पहना देंगे। मैं बोला नो सर, वी विल नॉट यूज चश्मा और स्पैक्स। बोले क्या बात कर रहे, बोले इसने काम नहीं किया सर, हल्का सा आई बॉल भी घूम गया तो ब्लाइंड इतना इजी नहीं है। बोले सर हो जाएगा। सो मीनवाइल मैंने उसको ब्लाइंड बनाया, एंड ऊपर से जब मैंने दूसरा मेरा आइडिया दिया कि ही इज़ अ पेंटर, एक ब्लाइंड है और एक पेंटर है, तो ही सेड लाइक दोनों मुझे ऐसा देख रहे। बोले सर हाउ इट कुड बी पॉसिबल, अब ब्लाइंड बना रहे, पेंटर बना रहे, बॉडी लैंग्वेज समथिंग में। बोला सर एवरीथिंग वुड बी फाइन। ये बंदे ने मेरे पे भरोसा किया है, मुझे अपने आप में चैलेंज है। उसके लिए चैलेंज है कि उससे काम निकलना, उससे ज़्यादा मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि भाई ये बंदा है जो ज़ीरो बैकग्राउंड से आता है, एंड क्या मैं उसको जस्टिफिकेशन कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यू नो। सो लेट बी, जो चैलेंज है उसको एक यू नो टॉप लेवल का चैलेंज बनाते हैं सर, है ना, एक्सट्रीम लेवल का, कि बनाना है तो एक्सट्रीम लेवल का बनाते हैं कि क्या यू नो उसके लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, एंड वी ऑल वेर पम्प्ड अप। उस दिन से रिजवान को बोला कि हफ्ते में एक बार तेरे को औरंगाबाद से मुंबई आना है। शूट कब करूंगा? आई विल नॉट लेट यू नो द डेट अनलेस एंड अनटिल आई फाउंड समथिंग, अ स्पार्क इन यू आफ्टर द रिहर्सल्स और आफ्टर द, तू आता रहे, तेरे को यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, तू मेरे सामने बैठेगा और हम इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। अब मेरा ये तजुर्बा है कि कोई भी इंसान 3 महीने का कोर्स करता है, 4 महीने का करता है, 6 महीने का करता है, और वो ग्रैस्प कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो वो ऐसे एक्टिंग नहीं सीखी जाती। 365 डेज एक्टिंग कोई सीख नहीं सकता है, एक्टिंग सीखता है 2-4 घंटे एक्टिंग सीख सकता है, लेकिन वो जो 4 आवर्स होते हैं या तो 4 डेज होते हैं उसमें वो सीखता है, वो उसको लाइफ टाइम काम आता है। एक वो मोमेंट होता है अंदर से जागने का, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। रिजवान बैठता था एंड लाइक आई सेड लाइक इंटरेक्शन करते थे। बोले देख रिजवान, मैं अभी पानी का ग्लास पी रहा हूँ, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ रिजवान, लेकिन मैं ना ऐसे देखूंगा थोड़ा सा, है ना, मेरा आई बोल ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा ना आई मेरा ब्लिंक होगा। तो वो मेरे सामने बैठा हुआ था, देख रिजवान कैमरा इधर है, हाँ, लेकिन मैं कैसे देखेगा अंधा होके कि कैमरा है वो ऑडियंस है और आपके ऑडियंस है वो आपको आई बोल को कैप्चर कर सके। तो बोला ठीक है सर, एंड वो रिजवान को मैं ऐसे सिखाता दे, बोला ये रिजवान ये देखिए ना ये 4 पेन है, मुझे पेन को उठाना है तो मैं ऐसा ऐसा करके उठाऊँगा, मैं पेंट करूँगा और ये ऐसा करूँगा, एंड जब वो पेंट करेगा तो उसके यू नो चेहरे पे नूर होगा, बिकॉज ब्लाइंड होते हैं वो अंदर से बहुत हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स वाले होते हैं। तो मैंने रिजवान को ब्लाइंड तो बनाया, पेंटर भी बनाया, उसके साथ एक छोटा बच्चा दिया। जो छोटा बच्चा है वो लड़की से मिलते हैं और लड़की का जो फेस है वो नैरेट करता है कि उसकी आंखें ऐसी है, उसके बाल ऐसे है, एंड ही पेंट्स इन सच अ वे। और बिलीव नहीं करेंगे, ये गाना लेंथ वाइज अराउंड 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स का था, बहुत ही लेंथ वाइज बड़ा था, एंड रिजवान हैज टोटली यू नो कैरेक्टर को पकड़ा हुआ था।
It's very, 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 very difficult to hold the character for this long without specs and something. उससे पहले जैसे कि वो रिजवान आता गया, वो तो एक हमारा रिहर्सल्स का एक जर्नी था. उसके अलावा मैंने क्या किया, व्हेन वी वर शूटिंग इन सूरत, मैं, मेरा कोरियोग्राफर, मेरा असिस्टेंट विवेक, मेरे एक दूसरे असिस्टेंट है आदर्श, और मेरे कोरियोग्राफर है, हम लोग ट्रेन से गए सूरत. तो मीनवाइल मेरे जो एक क्लाइंट है वो कार भेजने वाले थे, वो कार नहीं आई थी. तब तक मैं बोला, रिजवान एक काम कर, तू अपना कैरेक्टर का प्रैक्टिस कर ले, और मैं जब तक बोलूँ नहीं अपना कैरेक्टर छोड़ना नहीं. तो स्टेशन पे हम लोग प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग. तो बोला, रिजवान इधर आओ. यस सर. बोले, घूमने के लिए आए हैं? बोले, नो सर. तो ब्लाइंड हो, टकरा जाओ, खंबे से टकरा जाओ, आई डोंट माइंड. बोले, ठीक है सर. एंड देन मेरा कोरियोग्राफर को मैंने बोला, सर देखते जाओ. एंड देन वो गया गया गया. मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, पीछे जा भाई, वो थोड़ा सा संभाल ले, उसको कहीं टकरा जाए तो थोड़ा संभाल लेना. लेकिन वो रिजवान गया, मेरा असिस्टेंट पीछे गया. एंड देन मैं बोला, तो वो बहुत आगे निकल गया था बाबा. एंड देन मेरा क्लाइंट आया कार लेके. मैंने रिजवान को इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम ब्लाइंड कैरेक्टर को पकड़ के रखोगे, तुम कुछ नहीं करोगे. जब कार आई तो मैंने आगे का दरवाज़ा खोला, हाथ पकड़ कर रिजवान को बिठाया, मैंने दरवाज़ा बंद किया. मैं, हम लोग पीछे बैठे, दूसरी कार में दूसरे लोग बैठ गए. हम उसके फैक्ट्री गए, जो गारमेंट की फैक्ट्री थी, वहाँ पे उनके जो प्रोडक्शन था, सीढ़ियों थी, पतली पतली सीढ़ियाँ, वहाँ पे मैं रिजवान को हाथ पकड़ के कार से उतारा, सीढ़ियाँ चढ़ाई मैंने, उनके ऑफिस में, उनके कैबिन में एक चेयर पर बिठाया, पानी का बोतल खोल के रिजवान को पिलाया, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि पब्लिक में वो अंधा है. एंड मेरा जो क्लाइंट था, बोले, सुनील भाई क्या है? बोला, सर थोड़ा सा. बोलो, ओह सॉरी. फिर उन्होंने, क्लाइंट ने सूरत का स्पेशल खांडवी जो ढोकला सब मंगाया, और हम उसके दूसरे कैबिन में गए बैठे. मीनवाइल हम लोग अपने भूल गए थे, हम लोग को बैठ गए और स्टार्ट किया तो भूल गए कि भाई रिजवान तो वो कैबिन में बैठा हुआ है ऑलरेडी. मैंने विवेक को बोला, रिजवान को लेके आया, और रिजवान का हाथ पकड़ के वो ऐसे 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 लेके आया. मैं बोला, रिजवान रिलैक्स बैठ जाओ. तो मेरा क्लाइंट मेरे को ऐसे देख रहा है, रिजवान को देख रहा है, मेरे को देख रहा है. बोला, सर ये तो देख सकता है. बोला, हाँ देख सकता है. तो बोला, सर ये अभी तक, मैं बोला, सर हमारा शूट है तो हम उसको एक नेचुरल वे में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे थे एंड समथिंग. बोले, सर अच्छा कैरेक्टर इसने पकड़ के रखा है ना, उधर रिजवान इस, वहीं से उसने बाजी जीत ली थी. एंड देन शूट पे उसको, रिजवान को इतनी तालियां मिली हैं, मैं आपको उसके जो तालियां मिली हैं, और उसने जो कैरेक्टर पकड़ा है, और शॉट के बाद जो तालियां मिली हैं, वो मेरा BTS मेरे पास है, वो भी शेयर करूंगा. सो चीज़ यहाँ पे मेरा कहने का एक ही मकसद है कि एक छोटा सा रोल भी जिस इंसान ने नहीं किया था, ना कोई एक्सपेंसिव ट्रेनिंग ली थी, उसने सबसे डिफिकल्ट ब्लाइंड का कैरेक्टर विदाउट चश्मा, और वो भी पेंटर होना, और काफ़ी बारीकियां उसमें शामिल थी, काफ़ी प्रोसेस से वो लोहे की, मतलब वो उसकी कठिन परीक्षा थी, ट्रेनिंग थी, हार्ड ट्रेनिंग थी, उससे वो पास हुआ, उसको कॉन्फिडेंस मिला. तो फॉर दोज आर्टिस्ट हु विलिंग टू अचीव समथिंग, इट टेक्स टाइम, इट विल टेक टाइम. डोंट जंप इन टू कंक्लूजन, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ या समथिंग. यू नीड वन पर्सन हु बिलीव इन यू, एंड यू हैव टू बिलीव ऑन दैट वन पर्सन. दैट इज, दिस इंसिडेंट इज लाइक गिविंग मी अ टीचिंग, वेयर आई डिंट हैड दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, वेयर रिजवान हैड दैट कॉन्फिडेंस माई सेल्फ. सर आप मेरे से करा लेंगे. अभी ब्लाइंड का करेक्टर कराना, लाइक इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, लाइक कोई न्यू कमर से कराना विदाउट एनी एक्सपीरियंस और समथिंग, बिकॉज इट्स अ हेडेक वाला काम, नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है. सो इन 3-4 दिन से मैं वर्चुअली और फिजिकली मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं आर्टिस्ट से मिलता हूँ, उनको बोलता हूँ चलो 5 मिनट या 5 सेकंड 10 सेकंड ब्लाइंड का करके बताइए. तो कोई ब्लाइंड का ऐसा ऊपर देखता है, कोई ऐसे देखता है. मैं बोला, भाई कैमरा ये लेवल है, सो इधर यू कुड बी हियर और यू कुड बी हियर, यू कांट बी अप, यू कांट बी दिस वे. सो व्हाट आई मीन टू से कि ये ट्रेन बंदे हैं जो फेल हो जाते हैं, आपको एक सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है. मैंने नीचे ये वीडियो के नीचे ये गाने का, रिजवान का
लिंक है जो कि कोविड में हमने अपनी ही यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर दिया था, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कोई भी चुरा लेता। सो हमें जल्दी की जल्दी रिलीज कर दिया था, क्या कि कौन कॉन्सेप्ट हमारा ऑन पेपर आ जावे, बिकॉज वो टाइम पे म्यूजिक वीडियोज भी स्टूडियोज भी सब बंद थे, सब कुछ बंद था, कि हम बड़ी म्यूजिक लेवल पे उसको रिलीज ही नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसके बाद मेरे 8 से 10 गाने जी म्यूजिक कंपनी से रिलीज हो चुके हैं, लेकिन वो पहला गाना था जो कंसेप्ट की वजह से मुझे अपनी चैनल पे डालना पड़ा, बिकॉज ऑफ द कंटेंट विच इज़ यू नो आज कोई भी उठा लेता है, ओरिजिनल कंटेंट है हमारा। तो हैट्स ऑफ टू रिजवान फॉर दिस यू नो आउट ऑफ बॉक्स सुपर परफॉर्मेंस। एंड आप ये गाना देखिए, उसे बारीकियाँ देखिए, रिजवान ने कैसे पूरे 6 मिनट या 5.5 मिनट का जो गाना है पूरा पकड़ के रखा है। एंड यू नो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डू वेल एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड फाइंड दैट वन पर्सन हु कैन टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम यू। थैंक यू।